दोस्तों आप सभी को वेल्दी बिट मल्टीपल के चैनल पर स्वागत है। देखिए आप सभी को कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस दिखाने जा रहा हूँ। उस कंपनी का नाम है गैलेक्सी सर्फैक्टेंट लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप देख सकते हैं। ये जो इसके एक साल का चार्ट देखिए, किस प्रकार कंपनी डिप लेने के बाद हमेशा एक अपर डायरेक्शन दिया है। तो एवरी डिप में ये बताती है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को खरीदने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये किस प्रकार कंपनी जो है अपर डायरेक्शन मूव कर रही है। 2018 में IPO लेके आई थी, उसके बाद ये कंपनी कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ जा रही है। कंपनी के बारे में आप पढ़ सकते हैं, आप जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है सर्फेक्टेंट अदर स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट की करती है, जिसको पर्सनल केयर होम केयर में यूज़ किया जाता है। तो आप कह सकते हैं स्किन केयर हो गया, ओरल केयर हो गया, हेयर केयर हो गया, बालों के लिए, स्किन के लिए, मुंह के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए कंपनी जो है यूज़ करती है। ओवरऑल ये कंपनी जो है FMCG में कैटेगरी में फॉल करती है। इसके डिलीवरीज़ को आप देखेंगे तो आप पाएंगे एक कंपनी का मंथली 60-70-40-50% का डिलीवरी रहता है, विच इज़ ऑल्सो आप कह सकते हैं वेरी गुड है। डिविडेंड तो कंपनी बाय डिफॉल्ट देती है, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पे कर रही है। और यहाँ पर देखिए आप यहाँ टेक्निकल इसके बारे में आप समझेंगे कि कंपनी का जो अभी न्यूट्रल चल रहा है, लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टेक्निकल एनालिसिस से बात करके ही इसमें इन्वेस्ट करें। अब यहाँ देखिए कंपनी जो है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में है और ये FMCG मार्केट जो है 10,000 करोड़ का है, जो कि इंटरप्राइज वैल्यू जो उसका जहाँ मार्केट कैप से ज़्यादा है। उसका देखिए EPS 74 है और PE देखिए 38 है, एक्सटेंडेड इंडस्ट्री PE 54 है, बुक वैल्यू 444। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको देखिए ज़्यादा ही मिलेगा, अच्छी क्वालिटी की कंपनी 6.52 अच्छा है। डिविडेंड 0.62, डिविडेंड डिलीवर्स में ज़्यादा अच्छा नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी है बड़ी अच्छी है, बड़ी का मार्केट कैप फेस वैल्यू 10 है और इसका जो टोटल शेयर जो मार्केट में है 3.55 करोड़ है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं एक अच्छी कंपनी है। अगर आप इसके वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी जो है अलग अलग स्किन केयर अलग अलग प्रोडक्ट इसके बाद देख सकते हैं, एक अच्छी मल्टी मतलब गुड कंपनी है। और इसका जो पूरे विश्व में इसका जो है मार्केट है, तो आप इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, पेशेंट कितने ग्रांटेड हुए हैं, इसके मैनेजमेंट डायरेक्टर क्या कह रहे हैं और इसके बाकी सारे प्रोडक्ट को जस्ट आप इसके एरो पर क्लिक करेंगे तो आप इसके प्रोडक्ट को भी यहाँ से देख पाएंगे। तो आप समझ पाएंगे कि कंपनी जो है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और अलग अलग प्रोडक्ट में डील कर रही है। अब यहाँ से देखिए स्किन केयर, बेबी केयर, ये तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार आप देखते हैं इसके रिज़ल्ट को, हम समझते हैं कैसी रिज़ल्ट आती है। देखिए रिज़ल्ट तो एक्सपोनेंशियली देखिए ग्रो कर रही है, मात्र एक साल दो साल के अंदर में 2021 से 2022 तक गजब का ग्रो कर रही है। एबिटा भी देखिए इसका, ये इसका नेट सेल्स देखिए कैसे 626 करोड़ से बढ़ के 1,053 करोड़ तक पहुँच चुका है, ठीक है। अब इसके आप एबिटा को देखेंगे तो एबिटा भी देखिए कैसे पहले धीरे धीरे रिड्यूस होकर अचानक 148 करोड़ पर आ गया। तो कंपनी कुछ ना कुछ रिसर्च कर रही है। इंटरेस्ट देखिए किस प्रकार कंपनी ने अपने इंटरेस्ट को रिड्यूस किया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कंपनी जो बहुत अच्छे डायरेक्शन में चल रही है और अच्छे इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देने के लिए सक्षम है। अगर आप इसके पूरे एनुअल रिजल्ट को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका एनुअली जो है वो भी ग्रो कर रहा है। देखिए किस प्रकार कंपनी का जो एबिटा मार्जिन नेट प्रॉफिट एवरीथिंग जो है वो पर डायरेक्शन में 2021-22 में थोड़ा सा डेंट हुआ है, लेकिन ये कंपनी इसको मैनेज कर सकती है। कंपनी के पास अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट है। स्टैंड अलोन भी लगभग वही है, आप देखिए किस प्रकार 17,012 करोड़ से 26-28 करोड़ पर आ चुकी है कंपनी के पास। देखिए इंटरेस्ट कैसे कम हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में उसका डेट कम होना चाहिए और इंटरेस्ट लोगों को कम पे करना चाहिए। तो कुल मिला के एक अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। आप देखिए इसका रेशियो को देखेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए 25% का रिटर्न इक्विटी है, 25% रिटर्न कैपिटल, इतने अच्छे कैपिटल एम्प्लॉयड आपको बहुत कम मिलते हैं। अगर आप इसको यहाँ देखेंगे तो नेट मार्जिन देखिए 16% का, तो EBITDA मार्जिन है, आप देखिए पैट मार्जिन 10% है। और कंपनी का जो बुक वैल्यू देखिए किस प्रकार यू शेप की तरफ ऊपर जा रहा है, पहले 57 रुपये का बुक वैल्यू हुआ करता था, 367 रुपये का बुक वैल्यू है। तो कुल मिला के ये इन्वेस्टर को हैप्पी करने वाला शेयर है, जो कभी भी आपको खुश रखेगा, आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब इसके चार्ट को देखेंगे बैलेंस शीट में जब समझेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी ने कभी भी अपनी इक्विटी कैपिटल को चेंज नहीं किया। एक अच्छी कंपनी का सबसे बड़ा सूचक यही होता है कि अपनी इक्विटी कैपिटल को कभी वो डाइल्यूट ना करे, तो ये भी एक अच्छी कंपनी का सूचक है। रिजर्व देखिए किस प्रकार एकदम यू शेप में बढ़ता चला जा रहा है, जिस प्रकार MRF तरह की कंपनी होती है, बहुत ही अच्छी कंपनी। देखिए नॉन करेंट एसेट भी देखिए इसका 1,000 करोड़ है, करेंट एसेट भी 1,570 करोड़ है। अगर आप देखेंगे कैश एंड बैंक 71 करोड़ कैश एंड बैंक है, तो कुल मिला के बहुत ही अच्छी कंपनी, कैश भी अच्छा मेंटेन करी। प्रॉफिट एंड लॉस में हम समझेंगे तो सेल्स देखिए इसका किस प्रकार बढ़ रहा है, 2400 करोड़ से बढ़ के 3600 करोड़ पर आ चुका है। अब इसी प्रकार देखिए कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट वगैरह पे करना, इंटरेस्ट भी देखिए कम होता चला जा रहा है, जो कि एक अच्छी संकेत है कंपनी के लिए। और कुल मिला के जो उसका प्रॉफिट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। कंपनी ने अच्छा कैश फ्लो मेंटेन किया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
कंपनी का कैश फ्लो मेंटेन होता रहना चाहिए। ये प्रमोटर किस प्रकार यहाँ इंक्रीज कर रहा है, एफ आई आई डी आई भी जो अपना कंटेंट होल्डिंग है, एफ आई आई रिड्यूस कर रही है, लेकिन उसी के एक सामने देखिए डी आई जो वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है अपना पोजिशन को। तो कुल मिला के एक दूसरे से लेती है, एक दूसरे को देती है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर शेयर होल्डर जो है, यहाँ कौन से शेयर होल्डर हैं, अच्छे अच्छे शेयर होल्डर हैं। पब्लिक होल्डिंग भी खासा है म्यूचुअल फंड में, देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड देखिए 5% के अराउंड है, इस पर म्यूचुअल फंड भी देखिए 4.26 है, कोटक म्यूचुअल फंड टॉप क्वालिटी के म्यूचुअल फंड इसमें है। तो आप कह सकते हैं कि वो तो देखिए कुछ मिला के अच्छे इन्वेस्टर प्लेस में इन्वेस्टेड है। तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी कुल मिला के बहुत अच्छी कंपनी। स्कैन अगर आप उसके स्कैन को समझेंगे, फंडामेंटल स्कैन को, देखिए हाई रिटर्न लिक्विडिटी है, इम्प्रूव्ड रिटर्न लिक्विडिटी है, इंक्रीज रिटर्न, तो इस तरह की टॉप क्वालिटी कंपनी में आपको हमेशा टॉप क्वालिटी चीज मिलेंगी। आशा करता हूँ कि छोटा सा जो ये वीडियो है जो मैंने आपके लिए बनाया है बहुत ही लाभदायक हो। आप अपने अपने एडवाइज़र से बात करने के बाद ही इस तरह की कंपनी इन्वेस्ट करें। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, धन्यवाद।